हाँ तो दोस्तों, अब मैं आया हूँ छोटी जैन। ये दोस्तों वाल्मीकि मोहल्ला है, ये इन भाई का आपका मकान है ना, ये मंजीत भाई है, इनके घर में ये स्नेक मिला है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्नेक कहाँ बैठा है। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ बैठा है, ये बैठा है इस बिल के अंदर। तो दोस्तों अभी मैं देखता हूँ ये कौन सा स्नेक है। दोस्तों ये मुझे लगता है ये कॉमन क्रेत स्नेक है दोस्तों, तो हम इसको बाहर निकाल के देखते हैं कि ये कॉमन क्रेत है या कौन सा स्नेक है। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, हम इसको रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। आप इसको पकड़िए, छोड़ो एक मिनट। तो दोस्तों हम इसको अभी कैच करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा एक वो दिखाओ मेरे को, रूम्बा दिखाओ, ये भी पढ़नी पड़ेगी अपन। एक छोटी डंडी मेरे पास रख दो, एकदम भागेगा ना। गति दे दो, छीनी दे ना ना, ना गति दे दो। थोड़ा थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ, सामने खड़े हो जाओ। आओ आओ बाहर आओ, अंदर नहीं पड़ा बस जी। पानी लेगी, पानी लिया, एक इसके अंदर गिलास डाल दो, गिलास डाल। आप यहीं खड़े सामने खड़े, मैं भी दिखा दी ना, वहां खड़े वहां से मैं देखूंगा। हाँ सही मार, दोस्तों ये कॉमन क्रेत है। ये दोस्तों वर्ल्ड का सबसे जहरीला सांप है, ये कोबरा से 5 गुना आई बैनम का स्नेक है। दोस्तों ये स्नेक क्या करता है, रातों में रात के समय हमारे घर पे आ जाता है और हमारे बिस्तरों में चढ़ के, हमारे खाट पे चढ़ के दोस्तों ये चुपके से काट लेता है। और जिससे क्या होता है, हमारे पर हमारे पास सिर्फ आधा ही घंटा होता है इससे बचने के लिए। हमें अगर आधे घंटे के अंदर ट्रीटमेंट मिल गया तो दोस्तों हम बच सकते हैं, नहीं तो हम हमारी मौत निश्चित है। ये कॉमन क्रेत है, वर्ल्ड का सबसे जहरीला सांप, इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। तो इसको अभी हम यहाँ पकड़ लेंगे। तो दोस्तों देखिए, छोटा है लेकिन सबसे जहरीला है। एक एक बंदा ये फोन पकड़िए, एक डंडा और दो मेरे को, एक डंडा और दो मेरे को। छोटा दो। तो दोस्तों हम इसको भी कैच कर लेंगे यहाँ। दोस्तों मैं भी इसको ऐसे पकड़ना नहीं चाहता, मैं फ्री हैंडलिंग नहीं करना चाहता क्योंकि ये सबसे जहरीला सांप है। दोस्तों ये स्नेक हमने कंप्लीटली पकड़ लिया है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों ये इसकी पहचान, ये जो डॉट डॉट बने होते हैं इस पे, जो गंडे बने होते हैं डबल डबल डॉट, ये इसकी विशेष पहचान होती है। छोटा होता है, 2.5-3 फीट इसकी सबसे बड़ी लेंथ होती है, लेकिन सबसे जहरीला है। कोबरा से 5 गुना है वैनम, इसकी एक बूंद और कोबरा की 5 बूंद मारने के लिए सक्षम है। दोस्तों कोबरा से 5 गुना है वैनम का स्नेक है। हम इसको जल्दी हम पैक कर लेते हैं, एक दफा ये खोलिए। तो दोस्तों हम इसको अभी पैक कर लेते हैं, बाद में इसके बारे में मैं थोड़ी सी और जानकारी दूंगा। अब वहां सामने आ जाएगी, सामने आ जाएगी। तो मतलब तब ना कैसे पकड़े भाई, इसने भाई को फोन करवा दिया था, फोन फोन करे मैं तो पढ़ नहीं आता बता क्या। अरे शेर गिल्ला का एक और मेरा था, हमने पूरा था ये भी इसका कोई दर्द हो तो खोल कर जा बंदा पकड़े सीधा ये। तो दोस्तों हमने ये कंप्लीटली रेस्क्यू कर लिया है, हम इसको ले जाएंगे किसी अच्छे जगह जंगल में और जाके इसको रिलीज करेंगे। दोस्तों अभी मैं बताना चाह रहा था आपको, इसका नाम साइलेंट किलर भी है और इसको किलिंग मशीन भी कहा जाता है, और असली नाम इसका कॉमन क्रेत है। वर्ल्ड में दोस्तों एक नंबर पे यही स्नेक आता है, इससे जहरीला कोई भी स्नेक नहीं है। और दोस्तों ये क्या करता है, ये स्नेक इंसान की हीटिंग को ज्यादा पसंद करता है,
इंसान की गर्मी को ज्यादा पसंद करता है, इसीलिए ये हमारे घरों में आता है, हमारे घरों में रहता है। और दोस्तों ये काटने में इतना माहिर है, क्या करेगा, हमारी खाटों पे रात रात के समय ये निकलता है। इसका टाइम 9 से सुबह 3 बजे तक का होता है, दिन के समय ये नहीं निकलता क्योंकि इसको लाइट पसंद नहीं है, इसको अंधेरा पसंद है इस सांप को। तो ये रात में क्या होता है, हमारी खाट बिस्तर में आ जाता है और आराम से हमारे पास आके सो जाएगा। और जब तक हम इसके ऊपर नहीं दबाव डालेंगे तब तक ये हमारे को नहीं काटेगा, सारी रात हमारे पास सोता रहेगा। और जब इस पर दबाव पड़ता है तो दोस्तों ये चुपक देनी से काट लेता है, हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमें किसी मच्छर ने काट लिया हो। इसका ज्यादा पता नहीं लगता काटने का, सिर्फ मच्छर जितना ही पता लगता है इससे। और हम सोचते हैं कि हमें किसी मच्छर ने काट लिया, हम नींद में क्या करते हैं ऐसे खुजा के और सो जाते हैं, और दोस्तों हम सुबह तक सोए ही रह जाते हैं। यही इसीलिए इसका नाम साइलेंट किलर, क्योंकि ये चुपके से आता है, चुपके से काटता है और चुपके से निकल जाता है। ये इसकी विशेष पहचान है, मैंने आपको पहचान आपको बता देती है, बता दिया है। दोस्तों आप इन सांपों से बचिए और सांप दोस्तों मुझसे जुड़िए। और दोस्तों मेरा यूट्यूब पे एक चैनल भी है सोनू वर्मा एक्का के नाम से, उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सांपों से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी आप ले सकते हैं। और दोस्तों इन्हीं सांप शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अगर ये सांप काट जाए तो सीधा हॉस्पिटल जाए, प्राइवेट जाओ या सरकारी जाओ, तभी आप बच सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक एंटी वेनम नाम का, एंटी वेनम कह लो या एंटी स्नेक एक टीका आता है जिस जो डॉक्टर लगाते हैं, उसी से हम बच सकते हैं। वो इसी के जहर से बनता है, इसी के जहर से बनता है। कोबरा काट जाए या ये काट जाए तो एंटी वेनम ही हमारे को बचा सकता है, यही हमारे पास इलाज है। आप झाड़ फूंक के चक्कर में रहोगे, किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में रहोगे तो आप मारे ही जाओगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं है, कोई भी नहीं बचा सकता, तंत्र मंत्र वाला कोई भी नहीं बचा सकता। अगर कोई बचाता तो उसे मेरे पास लेके आइए, मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। तो दोस्तों आप इन्हीं साफ शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत और गर्व से कहो वंदे मातरम। वंदे मातरम। और छह मत था, एक ही मिनट बता कितने भाई।